तो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। मैं हूँ अब्राश और आप देख रहे हैं अब्राश के व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और गाइस आज कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट दिन है मेरे लिए भी और व्लॉग के लिए भी, क्योंकि गाइस आज हम जा रहे हैं इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद क्यों जा रहे हैं बताता हूँ, और वही पुराना इंट्रो किसी बेटी बात है। और 15 दिन से मैंने क्यों व्लॉग नहीं डाला मैं बताता हूँ यार, क्यों नहीं डाला गाइस। पेपर सर पे आ चुके हैं इसलिए व्लॉग डालने का यार टाइम ही नहीं मिलता। पेपर बिल्कुल सर पे है, 15 तारीख को पेपर है इसी महीने की 15 को, तो आज 5-6 तारीख है। तो गाइस बस 15 को पेपर है इसीलिए तैयारी चल रही है। पहला कंप्यूटर के है वो भाई, बस वैसे तो आसान होते हैं लेकिन हमारा कुछ अलग सीन है स्कूल का। तो गाइस यही सब चल रहा है तो इसीलिए व्लॉग नहीं आ पा रहे हैं। और गाइस आज इस्लामाबाद क्यों जा रहे हैं, आप अगर मेरे मतलब डेली व्लॉग देखते हो, डेली डालता पिछले व्लॉग अगर मेरे देखते हो तो आपको पता होगा हमने ली थी 6 महीने पहले होंडा अपनी सिविक बेच के, होंडा सिटी हमने ली थी। तो गाइस जब हमने होंडा सिटी ली थी तो मैंने आप लोगों से कहा था कि होंडा सिटी हमने इसलिए ली है क्योंकि हमने ली थी, मेरे ख्याल से दिसंबर में ली थी या उससे 1 महीने पहले ली थी, नवंबर में ली थी। फर्स्ट प्रायोरिटी थी उस टाइम पे, हमने कहा यार सवारी तो अब होनी चाहिए तो इसीलिए हमने होंडा सिटी ली थी। तो गाइस होंडा सिटी बाबा ने बेच दी है, और क्यों बेची है वही बताता हूँ। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो। और गाइस अभी आप जूते उतार के ठहर जाओ, कहोगे यार इतना सा होया था व्लॉग तो तू बनाते नहीं है, कहे का व्लॉगर है। तो गाइस इसी वजह से, पेपरों की वजह से व्लॉग नहीं बना पाए। तो गाइस बाबा ने वो बेच दिया होंडा सिटी। तो गाइस होंडा सिटी बिक चुकी है, और अब इस्लामाबाद किस काम से जा रहे गाइस वो तो मैं अभी नहीं बताऊंगा। गाइस इस्लामाबाद किसी गाड़ी के काम से जा रहे हैं, अब आप खुद अंदाजा लगा लो कुछ क्या होता। गाड़ी लेने जा रहे हो कोई नई, क्या होता कुछ और करने जा रहे हो। तो गाइस अब होंडा सिटी तो है नहीं जो उस पर जाते, और अभी हम गए ये सफ़र हम बिल्कुल करेंगे डेवो पे और देखेंगे एसी टाइम जो डेवो होती है उसका सफ़र कैसे होता है। फर्स्ट टाइम लाइफ एक्सपीरियंस होगा मेरा भाई साहब, देखेंगे क्या होता है, थकान होती है नहीं होती, कैसी होती है डेवो। मैं तो कभी बैठा नहीं हूँ, पता नहीं कैसी होती है क्या होता है। तो गए अब जाएंगे इस्लामाबाद सीधा, वहाँ पर आंटी वगैरह भी, आंटी से भी मिलेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। व्लॉग एंड तक देखना। तो अभी मैं तैयार हो चुका हूँ, और गाइस अरेज भी जिद कर रहा था जाने की इस्लामाबाद, अरेज भी जिद कर रहा है यार इस्लामाबाद जाने की। बाबा है सामने रोने लग गया सुबह, मुझे भी ले चलो। बाबा ने कहा इतना बड़ा सफ़र है पता नहीं कैसे ये कर पाएगा, रात को फिर इतना तंग होता है बंदा जितनी भी कंफर्टेबल हो, लेकिन सफ़र तो मुश्किल होता है बस इसका। तो गए अभी देखते हैं अरे जा रहे नहीं जा रहा, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो गए आज बड़ा मज़ा आने वाला है, अभी सीधा जा रहे हैं इस्लामाबाद। अभी नहा वगैरह लिए, कपड़े चेंज कर लिए, अभी 4-5 घंटे में निकलते हैं। अभी 2 बज रहे हैं तो फिर नहीं अभी 2 घंटे में निकलते हैं मुल्तान के लिए। तो मुल्तान से सीधा बैठ के जाएंगे इस्लामाबाद, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और गाइस आप गेस करो कमेंट से क्या करने जा रहे हैं वहाँ पे इस्लामाबाद में, कुछ लेने जा रहे हैं वैसे ही घूमने जा रहे हैं, बहुत सारे रीज़न बनते हैं। और गाइस कुछ VIP करने जा रहे हैं, वो वहीं चल के आपको सरप्राइज मिलेगा, बड़ा VIP चीज़ है गाइस। तो चलो चलते हैं। तो गाइस उसके बाद सीधा फिर हम जाके भाई साहब बैठे टाइम पे, जो टाइम होते हैं मतलब बसेस लोकल। तो गाइस इतना भाई साहब मज़ा नहीं आया, इतना हिल रही थी बस, और फिर पता नहीं क्या इतना गंदा सफ़र गया गाइस, मैं क्या बताऊँ आप। और गाइस सोचा तो हमने यही था कि हम जाएंगे मतलब डेवो वेवो पे, कोई वहाँ से देखेंगे कुछ होगा, लेकिन कोटदू से मुल्तान के लिए कोई था ही नहीं उस टाइम पे अवेलेबल। और हमने फिर सीटें भी बुक नहीं की थी, पहले से बुक करते तो फिर भी था। तो फिर तो गए उसके बाद सीधा हम पहुँचे मुल्तान फैसल मूवर्स के वहाँ स्टॉप पे, बस स्टॉप जो होता है वहाँ से 3 सीटें बुक कर में, प्रीमियम क्लास भी, प्रीमियम प्लस क्लास जो थी यहाँ पे जो राइड में दिख रही है। और उसके बाद अरेज भाई साहब यहाँ पे सामान ले रहे हैं, और वहाँ पे वो बस में भी पता नहीं कोकोनट वाले और वो छोलों वाले और पता नहीं क्या क्या लिया था इसने। तो गाइस वहाँ तो वीडियो नहीं बना पाया इतना, और सारे भाई साहब इतनी औरतें जमा हुई थी वहाँ, मर्द जमा हुए थे बस में, कोई यार था जार था बन ही नहीं पाई। तो उसके बाद बर्गर वगैरह रेस ने लिया और खाया, मज़े किए। और गाइस शोर इतना था वहाँ पे, जो अड्डा था का बस स्टैंड था, इतना शोर था यहाँ पे वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिला कसम से। तो दिख रही है बस, इस पर हमने जाना है जी फैसलाबाद मूवर की जो ये है। तो गाइस यहाँ से सीधा जाएंगे इस्लामाबाद, अभी हमारी 5:30 पे आएगी, पता नहीं किस रोड में टिकट वगैरह ले लिए हैं। रेज यहाँ बर्गर का इंतज़ार कर रहे हैं, और फिर खाते हैं और फिर चलते हैं 5:30 पे, है ना।
झुकी मेल अपने सीट पे। ये देखिए स्क्रीन भी लगी हुई है हमारी। और ये बाहर का बड़ा वीआईपी आपको दिखाते हैं और बड़ी मुश्किल से सीट मिली है। ये है मेरी सीट नंबर 22, वो है रेस की, बाबा उधर बैठे हैं। तो अभी गाइस पूरा मतलब ये है बस का व्यू, पूरा पीछे पीछे कुछ ऐसे बड़ी ये जो बस है वो अभी चलते हैं। गाइस टाइम तो हो गया चलने का, जो मैंने आपको फर्स्ट नंबर दिखाई थी वही है। खाने का रेस तो ये खाने की पड़ी रहती, क्या बात है, वो है हर वक्त खाने ही ढूंढते रहते हैं। मैप लगाते हैं, कहाँ जा रहे हैं बता दो, इस्लामाबाद पता भी नहीं है तुझे तो मैप लगा दिया है। नहीं लगा नहीं 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 तो बैठ गए हैं, दो तीन मिनट में चलने वाली है बस, चलती है तो दिखाता हूँ। और मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है तो अच्छी है, मतलब यार क्या क्या मिलता है देखते हैं कैसा है। और सीधा इस्लामाबाद जाती हूँ और आपको बता दूँ किस काम के लिए हम जा रहे हैं इस्लामाबाद, बड़ा वीआईपी काम है। चलो बाय। जी चेक कर रहे हैं, अरेज यहाँ बैठा है, मूवी वगैरह देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ एक्वामैन। अभी रुको गाइस, ये सारी मूवीज है हिंदी डबिंग में सारी जितनी भी हैं। उसके बाद पीछे आ जाते हैं गाइस, ये हॉलीवुड है, बॉलीवुड उर्दू डबिंग, कॉमेडी, चिल्ड्रन और डॉक्यूमेंट्री। तो चिल्ड्रन की ये देखें, ट्रकिंग रेड पता नहीं कौन कौन सी है, बड़ी भाई मैंने ये चलाई है फ्लैश, एरियस ने गाइस ये फ्लैश चलाई है और बहुत सारी है बड़ी और भी, तो इन्वेंटर पता नहीं कौन कौन सी है सारी। और उसके बाद गाइस पीछे आते हैं, डॉक्यूमेंट्री है, चिल्ड्रंस है और हॉलीवुड मूवी में आते हैं तो ये सारी आ जाती है जितनी भी है बड़ी भाई। सो फास्ट एंड फ्यूरियस के इतने पार्ट्स हैं, देख के थक लिए बंदे, ये एक सेकेंड दिखाता हूँ आपको ये सारा, लैंड ऑफ बर्ड्स, थैंक्स गिविंग सारी है बड़े। तो पीछे जाते हैं तो भाई इससे पीछे जैसे जाते हैं मूवीज और टीवी शो देखते हैं, पाकिस्तानी सॉन्ग सुन सकते हैं इस्लामिक। और ये गए अरे फ्लैश मूवी देख रहे हैं, पता नहीं क्या है कैसी है। तो भाई गेम्स भी बंदा खेल सकते हैं, आपको दिखाता हूँ, ये एंग्री बर्ड गेम है, BMX, चेस है पड़ी, और ये फ्रूट सैलड है, बाकी बहुत सारी गेम्स हैं। तो भाई ये आपको खेल के दिखाता हूँ, आपको चेक करवाते कैसी गेम है। तो गाइस बड़ा कमाल है, मतलब एक्सपीरियंस बड़ा कमाल है, अच्छी है, हर चीज़ कमाल है। तो गाइस ये चल गई है, ये पहला मूवी। अब गाइस लेकिन ये ऐसे करना तो मुश्किल है, चलो भगा ले दो हाथों से हो गया। गाइस एक और दिखाता हूँ आपको, ये फ्रूट सैलड है, ये वाली फ्रूट स्लाइस है, फ्रूट स्लाइस खेलते हैं गाइस अभी न्यू गेम। उसके बाद क्लासिक ये लो, चलो ये है गाइस गेम, बड़ी भी है भी। एक हाथ से खेलने के लिए सही है यार, हेडसेट लगा लिए और मस्त मज़े कर रही हैं। ई बुक है, न्यूज़पेपर है, वो वेटर को कॉल कर सकते हैं भाई साहब, कॉल कर सकते हैं यहाँ से वेटर को अगर चाहिए हो तो। अभी 9 दबा देते हैं, अभी कुछ नहीं चाहिए ना कोई मंगवाना है। उसके लोकेशन देख सकते हैं, सर्विसेज में अगर हम जाएँ तो गाइस यहाँ पे सर्विसेज में आइटम फॉर बाइंग, यहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट वाले भी ले सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारी मर्जी है, फ्री ऑफ कॉस्ट वाले आइटम लें या गाइज यहाँ पे आइटम्स फॉर बाइंग वाले लें। तो अभी हमने आइटम्स वगैरह कुछ नहीं लेने, तो ये गाइज मैं देखता हूँ मूवी वही वाली अपनी जो मैं देख रहा था उर्दू डबिंग में, आ जाते हैं एक्वामैन मूवी पे। तो गाइज मैं एक्वामैन देखता हूँ और से देखा जा रहा है, क्या बात है, पता चले कॉपीराइट आ जाए रेस।
ये चेक करें बाहर का व्यू, इतना कमाल है यहाँ पे भाई साहब, मस्त व्यू है यार। यहाँ से व्यू एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ से मूवी देख रहे हैं, मूवी मूवी भी भाई साहब, व्यू भी इतना कमाल है। पर्दा बंद करना हो तो यहाँ से पर्दा बंद कर लो, ऊपर से एसी भी है पड़ा गया, वो एसी को अपनी तरफ से एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ से वेटर को बुला सकते हैं इन तीनों बटन से, खाना वगैरह सारा, और एसी भी है कहीं। सात बार बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को सर गोदम स्टॉप आ गया, मुंह वगैरह धो लिए, सब चीज हो गई है। अभी चलते हैं आगे, देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। पिछला स्टॉप तो 5 मिनट का था सिर्फ, और अभी ठहरे हैं, बस पीछे ठहरी है जैसे कि आप देख रहे हैं फैशन मूवर्स की जो है। और यहाँ बड़ा मतलब कमाल गार्डन वगैरह है, चीज ले सकते हैं भाई। तो गए अभी बैठे हैं, 5-10 मिनट चलने वाली है हमारी बस, और अरेज बाबा वो बैठे हैं साथ में हमारे, मूवीज वगैरह देख रहे हैं, और मैं भाई साहब ऐसे ही बैठा हूँ स्क्रीन। एक और चीज़ जी हमें पता चल गई है हमारी स्क्रीन की, आपको दिखाता हूँ कैसे चेक करें। इंटरटेनमेंट में हम जाते हैं ना इस्लामिक में जैसे ही जाते हैं, नात वगैरह भी है, कुरान भी पढ़ सकते हैं, आयत। अब ये जैसे कि देख रहे हैं मौलाना तारिक जमीर और मुफ्ती साहब के बयान, और ये सारा आ जाते हैं किसी के भी सुन लो वाक्य वगैरह। ये आ गया मौलाना तारिक जमील और उसकी सारी जो भी है भाई साहब, इस्लामिक के थ्रू भी जा सकती है। यहाँ पे कुरान आ जाते हैं, पूरा कुरान पाक पढ़ सकते हो, आयत नंबर 1, अल्फातह, बकरा, और ये सारी सूरतें आ जाती हैं, चैप्टर हैं पूरे, पार्ट्स हैं, चैप्टर हैं, बुक मार्क कर सकते हो भाई। अच्छा सीन है पूरा। तो यहाँ पीछे आते हैं और हम मूवी देखते हैं भाई साहब। We'll be right back.